नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के रिगार्डिंग, यानी कि ट्वेल्थ लेवल के रिगार्डिंग भी एक नोटिस जारी हुआ है। जैसे अभी दो दिन पहले ही आपका ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग हुआ था, अब वैसे ही सेम नोटिस आया है ट्वेल्थ लेवल के रिगार्डिंग। यहाँ पर वैकेंसीज कम या ज़्यादा हो चुकी है, तो काफ़ी लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है और काफ़ी नहीं किया है। जब अभी तो शायद कल से ना किया हो, क्योंकि काफ़ी लोगों को लग भी रहा था कि ट्वेल्थ में भी कहीं ना कहीं चेंजेस होने को देखने को मिलेंगे। तो देखिए, ये आपकी डेट बढ़ाई गई है, 1 वीक इसमें भी एक्सटेंड कर दी है। और ये PWD कैंडिडेट के लिए स्पेशल, ये 27/10/2024 से लगा करके आपका 30/10, ये आपका लास्ट डेट जो है आपका क्लोजिंग डेट 28/10 कर दिया है इसमें, ठीक है दोस्तों। ये मॉडिफिकेशन विंडो 30/10 से 6/11/2024 तक आपका रहेगा। क्लोजिंग डेट आपकी 27 कर दी है, 21 थी, ठीक है। ये आपकी जो है क्लोजिंग डेट अभी 21 थी, तो 27 कर दी, 1 वीक और बढ़ा दी है इसमें, 27 लास्ट डेट कर दी है, जो कि 21 तारीख लास्ट थी। वैकेंसीज देख लें पहले, कितने कितने वैकेंसीज थी। तो अहमदाबाद में वैकेंसीज का घटी है सभी, उसमें MD को 2 वैकेंसीज मिली हैं, HI की वैकेंसीज घट करके 2 हो गई, VI को 2 वैकेंसीज बढ़ा दी गई है और LD की वैकेंसीज घट गई है। अजमेर की बात करें तो सेम है, कोई चेंजेस नहीं है अजमेर में। बेंगलोर में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिला, भोपाल में भी कोई चेंजेस नहीं है, भुवनेश्वर में भी कोई चेंजेस नहीं है, बिलासपुर में भी कोई चेंजेस नहीं है। MD कैटेगरी में चेंजेस हैं, 1 वैकेंसीज घट गई है। चंडीगढ़ में भी कोई चेंजेस नहीं है, 7 वैकेंसीज थी यहाँ पर, 7 के 7 वैकेंसीज हैं ऐसे ही हैं, और 6 वैकेंसीज थी। चेन्नई में भी कोई चेंजेस देखने को हमें नहीं मिला। गोरखपुर में वैकेंसीज घट गई हैं, जैसे ग्रेजुएट में घटी थी और इसमें भी वैकेंसीज घट गई है। गोरखपुर में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज थी, लेकिन वैकेंसीज इतनी डिक्रीज हो चुकी है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 5 वैकेंसीज थी LD में, और अभी की वैकेंसीज रह चुकी है, और 1 वैकेंसीज में जूनियर कम टाइपिस्ट की बढ़ी है। MD में 1 वैकेंसीज बढ़ी है गोरखपुर जोन में दोनों को नुकसान हुआ है, ग्रेजुएट लेवल को भी और अंडर ग्रेजुएट को भी। वैकेंसीज LD कैटेगरी में गुवाहाटी में भी ऐसे ही हुआ है, गुवाहाटी में पहले वैकेंसीज ज़्यादा दी और गुवाहाटी में लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं, तो गुवाहाटी में देखिए यहाँ पर भी 5 वैकेंसीज, 2 से 5 हुई है। VI को फ़ायदा हुआ है, लेकिन HI और LD को नुकसान हुआ है, ये और इनको फ़ायदा हुआ है, MD कैटेगरी को फ़ायदा हुआ है। जम्मू कश्मीर में सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में HI को फ़ायदा हुआ है, LD को फ़ायदा हुआ है 1 वैकेंसीज का, LD 1 वैकेंसीज बढ़ी है, और यहाँ पर LD जो है 6 थी पहले, VI की वैकेंसीज बढ़ी हैं, 9 हो चुकी हैं। MD को देखिए, MD को सभी जोन में फ़ायदा हुआ है, MD को लगभग सभी जोन में फ़ायदा हुआ है। मालदा में 1-1 वैकेंसीज थी, वो भी घट करके 0-0 हो गई, MD के वैकेंसीज दे दी हैं यहाँ से हटा करके, MD को वैकेंसीज में काफ़ी दी हैं। मुंबई जोन में वैकेंसीज घट गई हैं, मुंबई में HI की वैकेंसीज 16 थी, VI को फ़ायदा हुआ है, 11-10 वैकेंसीज हैं और 13 वैकेंसीज पहले इसमें LD की थी, VI को फ़ायदा हुआ है। अब जितने भी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट है, दोनों में VI को फ़ायदा है, नुकसान ये हुआ है VI ने काफ़ी ने फॉर्म भर दिया था, तो VI में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर आगे जा चल करके जोन चेंज का ऑप्शन या कुछ इस तरीके से नहीं आता, तो VI की कट ऑफ कई जोन में बहुत भारी और कई जोन में बहुत कम रह सकती है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिए थे अभी भी। और LD कैटेगरी को नुकसान हुआ है 2 वैकेंसीज का, देखिए MD कैटेगरी को नुकसान हुआ है यहाँ पर तो 1 वैकेंसी का। मुजफ्फरपुर में कोई चेंजेस नहीं है, पटना में कोई चेंजेस नहीं है। प्रयागराज में वैकेंसीज, 1 वैकेंसीज बढ़ी है प्रयागराज में LD कैटेगरी की और HI की, 1 वैकेंसी बढ़ी है और VI की वैकेंसीज बढ़ी हैं, और MD की 0 थी, तो MD को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, MD कैटेगरी को फ़ायदा हुआ है। रांची जोन में LD कैटेगरी को फ़ायदा हुआ है, 4 वैकेंसीज हो चुकी हैं, और इधर आपका LD कैटेगरी में 1 वैकेंसी थी, अभी यहाँ 4 वैकेंसीज हो चुकी हैं, HI में 6 वैकेंसीज हो चुकी हैं। सिकंदराबाद में 19 वैकेंसी थी, VI की सेम है, और इनकी 3 थी HI और 5 LD, बाकी 3 सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। सिलीगुड़ी में 1 वैकेंसीज घटी है HI की। तिरुवनंतपुरम में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला, तो टोटल ये आपकी अब 72 वैकेंसीज में हो चुकी हैं, वैकेंसीज घट गई हैं। आप यहाँ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी थी, तो वैकेंसीज घटा दी हैं, यहाँ 55 वैकेंसीज आपकी, पहले वैकेंसीज 39 थी, 55 हो गई है। HI की 1 वैकेंसी घटी, और LD को देखिए काफ़ी नुकसान हुआ है, 6 वैकेंसी का नुकसान हुआ है, और ये वैकेंसीज यहाँ से 19 से 34 कर दी है। MD कैटेगरी की वैकेंसीज काफ़ी अच्छी कर दी है इसमें।
बैकलॉग वैकेंसी वगैरह एचआई में थी कुछ बैकलॉग वैकेंसीज ये कोलकाता जोन में। कोलकाता जोन में देखिए पहली बैकलॉग पड़ी है। बैकलॉग का मतलब है जी पिछले साल सीटें नहीं भरी होती उनको अगले साल एडजस्ट करते हैं, तो अब इनमें एडजस्ट कर दी जो भी सारी वैकेंसीज थी पिछली उनको छोड़ करके। और अभी जो है मालदा में आपकी दो वैकेंसीज एचआई में पड़ी हैं और बैकलॉग, और यहाँ पर आपकी चार वैकेंसीज रांची में चार वैकेंसीज एचआई की, तो 248 वैकेंसीज जो हैं अभी बैकलॉग को मिला करके टोटल ग्रैंड टोटल वैकेंसीज हो चुकी हैं। तो ये चेंजेस देखने को मिले हैं, काफ़ी चेंजेस जो कि पीडब्ल्यूडी के साथ कहीं सही भी है कहीं गलत भी है, और दोनों चीज़ों के फ़ायदे और नुकसान होते हैं हमेशा, और नुकसान भी है काफ़ी लोगों को ऐसा। हालांकि इस तरीके का नोटिस अब नहीं देना चाहिए था, पहले ही करते, या फिर सभी लोगों को जो भी मौका दिया जाता है जोन चेंज वगैरह का वो भी दिया जाना चाहिए था। तो अब आप लोगों ने जिसने फॉर्म नहीं भरा है तो वो इस वैकेंसी के रिकॉर्ड हिसाब से फॉर्म को फिलअप करें, और बाकी जो है ये सब आपको ऑफिशियल नोटिस में मिल जाएगा। और बाकी इस टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।